हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? और आपका व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी कैसा चल रहा है? हो सकता है ठीक चल रहा है, मगर क्या ये खबर आपके व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी तक पहुंची कि नहीं, ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं हमारे वीडियोज की ओर और जानते हैं, उससे पहले नई अपडेट्स नई जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज आज तक, PM announced to shut down internet service for one week to avoid panic in public through social media. कहाँ तक ये बात सही है? तो मैं बता दूँ, ये बात जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। बेबुनियाद नहीं कह सकते हैं, लेकिन गलत है। यहाँ सोशल मीडियाज के यूनिवर्सिटी थोड़ा सा अपना पढ़ाई ज़्यादा कर ली और इन सब बातों को फैलाने पर ध्यान दे रही है, और लोग खास तौर पर इसे शेयर भी कर रहे हैं। ये न्यूज़ 25 मार्च की है और पता नहीं आपके तरफ पहुंची कि नहीं पहुंची, आप ज़रूर कमेंट करके बता देना। तो ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है, ऐसा नहीं किया गया और न ही ऐसा कोई घोषणा हुआ है। अगर किया गया होता तो ये अभी आप जो वीडियोस देख रहे हो वो अभी नहीं देख पाते, ठीक है? तो ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल तरह से फेक है, जो कि व्हाट्सअप, फेसबुक और कई सारे सोशल मीडियाज़ पर चलते आ रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं और ये रूमर्स फैलाया जा रहा है। अगर आप सच में इस तरह के रूमर्स फैलाते रहे और आप जान ही रहे हो अभी देश की क्या हालात है, तो इस देश में जो हालात है उसकी कई सारी ट्रीटमेंट व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में आ चुकी है, कई सारे विधि विधान सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आ गई है, जिस कारण से हो सके तो सरकार ऐसा कदम उठा सकती है। मगर ये न्यूज़ तत्काल के लिए फेक है और इंटरनेट शटडाउन नहीं की जाएगी, क्योंकि आपको इंटरनेट के माध्यम से सारी जानकारी उपलब्ध हो जा रही है, चाहे वो यूट्यूब रहे, चाहे वो आपकी किसी भी वेबसाइट से आप लाइव देख पा रहे हो। मगर ये शटडाउन हो जाएगी तो आपको केवल न्यूज़ चैनल मिलेगी और आपके घर में जाके आप टीवी पर न्यूज़ देख सकते हो और बाकी कुछ नहीं कर सकते इंटरनेट का। लेकिन ऐसी कोई आने वाली परिस्थितियां नहीं हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए कम से कम जिस न्यूज़ को आप भेज रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, उसे एक बार चेक तो कर लो। कल मैंने अपनी एक वीडियो फेक न्यूज़ कैसे फैलती है उस पर बनाई थी, वो आप शायद नहीं देखे हो, देख लेना ज़रूर। फिर मिलेंगे एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।